बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, जिसे शमशान भूमि महाकाल वन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर स्थित है श्री योगी बाबा बम्बम नाथ जी। चक्र तीर्थ शमशान वाले के शिष्य ज्ञान नाथ ओगड़ पीर ओगड़ गब्बर बाबा, जो कि उज्जैन के नरसिंह घाट क्षेत्र में एक कुटिया में वास करते हैं, ये अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। उज्जैन महाकाल लोक विस्तारीकरण के समय जब खुदाई की गई, तब खुदाई में निकली हनुमान जी एवं दशा माता गणेश जी की प्रतिमा, जो कि काफी अद्भुत है। एक पेड़ की जड़ से निकली इन प्रतिमाओं की सेवा नित्य करते हैं, साथ ही नित्य महाकाल दर्शन कर भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गुरु जी, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे जी। आपका शुभ नाम? मेरे गुरु जी का नाम है श्री योगी बाबा बम्बम नाथ जी, चक्र तीर्थ शमशान जिन। मेरा नाम है ज्ञान नाथ ओगड़ पीर उड़क गब्बर बाबा। गुरुदेव, आपके दिन, क्योंकि उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी है, इसे शमशान भूमि भी कहा जाता है, आप अपने पूरे शरीर पर भस्म रमाते हैं, क्या विशेषता है इसकी? ऐसा है, भस्म तो हमारे गुरुजी भी रमाते थे, हमारे गुरु भाई भी रमाते हैं और भस्म हम भी रमाते हैं। तो हमने हमारे जीवन में 2004 में हमारी मौत देखी और मौत निकाली, तो उस दिन से हमारे घर वाले की नज़र में भी हम मर चुके थे। उसी दिन से हमने ठान लिया, तो अब तो पूरा पक्का साधु बनेंगे और देवता गुरु महाराज की सेवा करेंगे। तो गुरु जी की सेवा करते 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 कुछ समय बाद लॉकडाउन में ना महाकाल की टनल खुदने लगी, और महाकाल की टनल में हमने मौत देखी, और महाकाल की टनल ने हमें ना बैठने की जगह दी। महाकाल की टनल में जो झाड़ पौधे थे उनमें महाकाल प्रशासन साहब ने अंदाजा करके भगवान को खोदा पीटी, मंदिर तोड़ा तोड़ी, जो इधर उधर करे उसमें भगवान भी ना गाड़ दिए थे। ना पीपल का झाड़ था, वृक्ष था, वो भारत माता चुराया, शंख चुराए के आगे का भारत माता चुराया है वहाँ का पीपल का झाड़ था। माँ दशा माता, बाल हनुमान, गजानन जी, भैरव जी बैठे हुए थे। वो झाड़ की छटिंग करके, और जब झाड़ गाड़े तो उसकी जड़ में भी भगवान गाड़ दिए थे। आपने यहाँ स्थापना की उनकी? तो इसी जगह से निकाली हमने, नरसिंह घाट कुमावत धर्मशाला के सामने गड़े हुए थे, और उस वक्त नहीं से निकाली, और जब से हमने नहीं माता जी की जोत जलाई और जब से नहीं डेरा है। कितने श्रद्धालु यहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ पर? श्रद्धालु तो मेरे पास जास्ती करके कलकत्ता, झारखंड, टाटा, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मतलब श्रद्धालु की तो कोई वो नहीं है, सब दूर के श्रद्धालु आते हैं। और आपका नित्य कर्म महाकाल जाते हैं श्रद्धालुओं से मिलते? मेरा नित्य कर्म है, नित्य कर्म तो हमारा शुरू से ही है। हमारे गुरुजी के साथ में कई साल तक हमने भस्म आरती करी। हमारे गुरुजी को लॉकडाउन में रोका गया तो बाबा जी तुम्हें कोरोना है, खांसी है, खुर्रा है, ये तो चाल से रोक दिया उनने। गुरुजी का एक चक्कर नियम टूटा, जब से गुरुजी जी आना छोड़ दिया, फिर हमने नियम पकड़ा, हम नित्य भोग आरती में जाते हैं।